नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि जीएसटी ऑडिट करते समय हमें किन 20 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको अपने प्रॉफिट लॉस और जो GSTR 9 है उसको रिकनसाइल करना चाहिए। मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको स्नैपशॉट्स बता रहा हूँ, डिटेल में इन 20 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक चेकलिस्ट के रूप में आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी GSTR 1 और 3B में आपकी आइटम्स हैं उनको भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 9 के साथ मैच करें जब आप GST ऑडिट कर रहे हैं। आप जितनी भी ब्रांचेज हैं आपके पैन पर ऑडिटिंग में उसकी सबकी लिस्ट लें और चेक करें कि वो सारी ब्रांचेज रिस्पेक्टिव GSTIN में, सभी GSTIN में सभी ब्रांचेज अपडेटेड हैं या नहीं हैं। आप सारे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस के रेंट एग्रीमेंट्स इकट्ठे करें और चेक करें कि क्या वो सारे अपडेटेड हैं। रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस, गोडाउन्स, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस, सारे ऑनलाइन GST की पोर्टल पे। उसके बाद आप ये भी ज़रूर चेक करें कि जो इनवॉइसेस साइन कर रहे हैं क्या वो सारे व्यक्ति ऑथराइज पर्सन के रूप में GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद आपस में जो क्रॉस चार्ज का है, आपस में जो GSTIN में सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है जो कि एक डीम सप्लाई मानी जाती है, क्या उसके लिए प्रॉपर इन्वॉइसिंग हुई है HO से या जिस भी कॉरपोरेट ऑफिस से, डिफरेंट ऑफिसेस में। उसके बाद आप चेक करें कि आपने एक्सपोर्ट सप्लाई को प्रॉपरली डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, 270 डेज में फेमा का कंप्लायंस हुआ, पेमेंट हुई कि नहीं हुई है। उसके बाद रिफंड कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि पार्ट ए ऑफ GSTR 9C में ऑडिटर रिकमेंडेशन में एरेनियस रिफंड टू बी पेड बैक आपकी लायबिलिटी है। ये चेक करना कि आपका बताना ये लायबिलिटी है कि एरेनियस रिफंड टू बी पेड बैक क्या है, उसको बताने के लिए आपको सारे रिफंड्स कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेंगी और ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि रिफंड जो क्लेम्ड हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। उसके बाद जितने भी आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स लगाया गया है उसमें HSN और SAC के हिसाब से टैक्स रेट प्रॉपर है या नहीं है ये आप चेक करें। टेबल 9 में इसकी रिकन्सिलेशन होती है फॉर्म GSTR 9C में। उसके बाद जो जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसकी वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है, स्पेशली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को आप ज़रूर चेक करें, एक लिस्ट ऑब्टेन करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की, और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की वैल्यूएशन जो होगी वो रूल 28 से रूल 31 के हिसाब से होगी। उसके बाद एडवांसेस पर क्या ट्रीटमेंट है, जो एडवांसेस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव होते हैं क्या उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई है या नहीं हुई है 1 में 3B में, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली 9 में, और आपको 9C में क्या रिपोर्ट करना है। उसके बाद सभी ट्रांजेक्शन्स का आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करना है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है और कौन सी इंट्रा। इंटर पर आपको IGST चार्ज करना है, इंट्रा पर C+S चार्ज करना है। अगर ये ट्रांजेक्शन्स गलत रिपोर्ट होती हैं तो भविष्य में सेक्शन 77 के अनुसार जो गलत टैक्स है वो आपको रिफंड लेना पड़ेगा और सही टैक्स दोबारा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एज एन ऑडिटर आपको ये एक बारी चेक करना चाहिए, चाहे आप किसी भी टूल के साथ, कोई भी IT टूल के हिसाब से आप इसको चेक कर लें। उसके बाद आप जो भी कैपिटल गुड्स या यूज्ड व्हीकल हैं उसके ऊपर जो सप्लाई हुई है उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स रेट लगा है कि नहीं लगा है, और इससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग ITC रिवर्सल हुए हैं या नहीं हुए हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और यूज्ड व्हीकल पे। उसके बाद जो RCM की लायबिलिटी है वो आप प्रॉपर 13/17 2017 CTR के हिसाब से 16 सर्विसेज पर RCM पे हुआ या नहीं हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर RCM पे हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टर रेमुनरेशन के ऊपर एक सर्कुलर 140 निकला रिसेंटली, क्या उस पर RCM प्रॉपरली पे हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट लॉस में क्लेम किए हैं जिनके ऊपर ITC लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप चेक करें कि वो फॉर्म 9 से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिन भी एक्सपेंसेस पर आपने ITC लिया है यू हैव टू इंश्योर दैट दोज एक्सपेंसेस आर बुक्ड इन दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन ओनली समहाउ इट कुड बी मैच्ड। उसके बाद आपको 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट को चेक करना चाहिए, जिसमें आपको ये देखना चाहिए कि कोई रिवर्सल तो नहीं बनता है, रिवर्सल बनता है तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल नंबर 12 में रिवर्सल ऑफ 9C में रिवर्सल रिपोर्ट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट 180 डेज में हुई है या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ITC का रिवर्सल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और अगर आप ITC रिवर्स नहीं भी कर रहे तो कम से कम आप उसके लिए पार्ट बी ऑफ फॉर्म 9C में पैरा 5 में रिपोर्टिंग जरूर करें, एक डिस्क्लोजर जरूर दें।
उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ की है बुक्स में से, कोई भी गुड्स की वैल्यू रिटर्न ऑफ की है बुक्स में से, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ITC रिवर्सल बनता है, आपको वो रिवर्सल करवाना चाहिए। अगर आप एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो रूल 42 और 43 लगता है आपके ऊपर, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सल की आपको आवश्यकता है। अगला, आपको ये चेक करना है कि सारे टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, पेमेंट वाउचर्स, रिफंड वाउचर्स, ये सब जो हैं रूल 46 to 55 के अनुसार बने हैं या नहीं बने हैं, उनका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, रूल 46 to 55। उसके बाद आपको रूल 56, 57, 58 का कंप्लायंस चेक करना है कि जितने भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 56, 57 में बताए गए हैं, किस तरह से बनने हैं बताए गए हैं, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको जो गुड्स सेंट ऑन जॉब वर्क है या एजेंट्स को हैं, उनकी प्रॉपर सेक्शन 143 का जॉब वर्क के ऊपर कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, आपको ये चेक करना है। एक साल के अंदर अंदर इनपुट आए, तीन साल के अंदर अंदर कैपिटल गुड्स आ गए या नहीं आए, कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 6 महीने के अंदर अंदर आ गया कि नहीं आ गया, अगर नहीं आया तो उसको सप्लाई बनाया कि नहीं बनाया, ये सब आपको चेक करना है। आखिरी में मैं आपसे कहूँगा कि जो 3B लेट फाइल हुई है उनके ऊपर नेट पर आपको इंटरेस्ट देना है। ये सेक्शन 50 का पूरा सेटल हो चुका है, जो भी कंफ्यूजन और कहें कि एक कन्फ्लिक्ट था, अब सेक्शन 50 में ब्याज जो है वो नेट पर ही देना है। तो 18-19 में आपकी अगर 3B लेट हुई है तो पार्ट 5 ऑफ पार्ट ए ऑफ 9C, मतलब 9C के पार्ट ए में जो पार्ट 5 है जो ऑडिटर रिकमेंडेशन है, उसमें आपको इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन भी देनी है, और इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन आपकी या तो टैक्स डिलेड होगा, 3B डिलेड होगी, गलत ITC होगा, इन सब पर जो भी ब्याज बनता है वो आपको पार्ट 5 में, पार्ट ए के पार्ट 5 जो ऑडिटर रिकमेंडेशन में, उसको जरूर देना है। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम मुझे लगा आपको पसंद आएगा, एक स्नैपशॉट है, एक बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने कोशिश की है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने के लिए GST ऑडिट करते समय। इन बातों का ध्यान रखें, कोई और समस्या आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। धन्यवाद।